जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कब तक एग्जाम कैलेंडर अपना डिक्लेयर करेगा, कब जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज के नतीजे डिक्लेयर होंगे और कहां गई 20,000 वैकेंसीज जिन 20,000 वैकेंसीज की बात जम्मू कश्मीर की सरकार ने की थी। आधिकारिक सूत्रों से हमने पूछा था, उन्होंने बिल्कुल उस समय कंफर्म किया था, उन्होंने कहा था कि 20,000 वैकेंसीज जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों इंस्टीट्यूशंस को रेफर की जाएंगी, युवाओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है, फास्टैग बुनियादों पर जल्द से जल्द इन तमाम युवाओं की सिलेक्शन भी की जाएगी। ये बात मैं बात कर रहा हूं दिसंबर 2021 की, दिसंबर 2021 में यह बात शेड लाइन के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाई थी। अब अक्टूबर आने वाला है 2022 का, सितंबर का महीना इस समय 2022 का खत्म होने वाला है, अक्टूबर का महीना आने वाला है, लेकिन अभी तक ना तो 20,000 वैकेंसीज के बारे में कोई जानकारी है, ना ही जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने अपना एग्जाम कैलेंडर डिक्लेयर किया है, ना ही किसी को यह पता है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन कब तक जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज के इम्तिहान के हतमी यानी फाइनल नतीजे निकालेगा। और अब देखिए विडंबना क्या कि अब 2022 में दो बैच जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज के निकलेंगे, जो 2021 का बैच है वो भी 2022 में सिलेक्ट होगा। ये कितनी ज्यादती है उन तमाम युवाओं के साथ जो रात दिन मेहनत करते हैं और एक नौकरी की आस में अपनी जान खपाते हैं, मेहनत बेइंतहा मेहनत करते हैं, खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक इम्तिहान क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद जब कुछ बेईमानों और चोरों की वजह से वो इम्तिहान कैंसिल हो जाते हैं, उन इम्तिहानों में CBI की जांच बिठा दी जाती है, उसके बाद दोबारा से उन बच्चों को हौसला करना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है और अपने आप को उस इम्तिहान के लिए दोबारा से तैयार करना पड़ता है। अभी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के नतीजे निकले, उसको लेकर भी कुछ युवाओं ने कल कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। उससे पहले कुछ और पोस्ट के नतीजे निकले, उसको लेकर भी युवाओं ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। वजह क्या है? इन सब चीजों की वजह यह है कि एडवर्टीजमेंट इशू करने के बाद रिक्रूटमेंट करने तक वो जो गैप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उस गैप के कारण युवाओं के पास इतना वक्त है कि वो इन तमाम चीजों पर बातचीत करते हैं, इन तमाम चीजों पर नजर रखते हैं। ये बहुत अच्छा है कि युवाओं की नजरें रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर हैं, युवाओं की नजरें नतीजे के ऊपर हैं, ताकि किसी किस्म की कोई बेईमानी चोरी ना हो, ईमानदारी के साथ नतीजे निकले और ईमानदारी के साथ नतीजे निकलकर जो लोग हकदार हैं उन्हें नौकरियां मिले। लेकिन अगर दिसंबर के महीने में सरकार ने यह कहा था कि फेब के महीने तक तमाम जितनी भी वैकेंसीज हैं वो रिक्रूटिंग एजेंसीज को भेज दी जाएंगी, यानी PSC और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भेज दी जाएंगी, तो अक्टूबर का महीना आने वाला है, अभी तक ये वैकेंसीज क्यों नहीं भेजी गई? ये 20,000 वैकेंसीज आखिरकार गई कहां? और क्या CBI की जांच के आदेश देने का मतलब यह है कि सारे का सारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस रोक दिया जाए? जब तक जांच मुकम्मल नहीं होगी तब तक PSC भी रिक्रूटमेंट नहीं करेगी, तब तक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी रिक्रूटमेंट नहीं करेगी, ये कैसी मानसिकता है? रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में धांधलियां हुई, धांधलियों के ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई, कमेटी ने जांच की, जांच करने के बाद जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में निकल आया वो CBI के हवाले किया। अब पड़ताल CBI कर रही है, वो अपना काम कर रही है, CBI को अपना काम करने दीजिए, लेकिन सरकार को भी तो अपना काम करना चाहिए। यानी जो कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी को ये आदेश दिए गए थे कि आपने जितनी भी वैकेंसीज हमारे GAD से रेफर होंगी वो पहले इस कमेटी के पास जाएंगी, कमेटी उन लूप होल्स को निकालेगी, अगर उसमें लूप होल्स कोई होंगे, उन लूप होल्स को निकालने के बाद पोस्ट को जो है रेफर कर दिया जाएगा PSC और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को। उस कमेटी को इतना समय क्यों लग रहा है? क्या कमेटी CBI की जांच के कारण चुप करके बैठी हुई है? क्या कमेटी इंक्वायरी कमेटी के बनने के कारण काम आहिस्ता कर रही है? ये सारे वो सवाल हैं जो युवाओं को परेशान कर रहे हैं। अब आप खुद हिसाब लगाइए कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज का जहां तक ताल्लुक है, 2021 बैच के नतीजे भी 2022 में निकलेंगे, तो 2022 में दो बैच आप निकालेंगे, क्या यह कामयाबी है पब्लिक सर्विस कमीशन की या नाकामी है? यह बहुत बड़ी नाकामी है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की कि आप एक ही साल में एक रिक्रूटमेंट को मुकम्मल नहीं कर पाते, आपको एक रिक्रूटमेंट को खींच कर जो है दूसरे साल तक ले जाना पड़ता है। अप्रैल के महीने में आपने मेंस का इम्तिहान लिया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीने गुजर चुके, छठा महीना आपका आने वाला है, 6 महीने
लगभग 1,00,000 बच्चों का अगर इम्तिहान भी हो, उस इम्तिहान के पेपर चेक करके नतीजे निकाल दिए जाते हैं। इस इम्तिहान में तो उसके कंपैरेटिवली बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट करे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इम्तिहान का नतीजा निकालने में, अब यह कहा जा रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में नतीजे निकलेंगे। अब खुद हिसाब लगाइए, अब अक्टूबर में नतीजे निकालेंगे, उसके बाद आपको दूसरे इम्तिहान का मेंस भी करना है, 2022 की जो आपको पोस्टें रेफर हुई हैं उसका नतीजा भी आप नवंबर दिसंबर में निकालेंगे। सोचिए जो बैच 2021 में निकलना चाहिए वो 2022 में निकल रहा है। इसी अगर इसी पेस पर आप काम करेंगे, मेंस का इम्तिहान होने के बाद 2022 बैच का नतीजा भी अगर आप 2023 में निकालेंगे, तो ये कितनी बड़ी ज्यादती उन तमाम युवाओं के साथ है जिनके लिए सरकार ने कानून इतने सख्त कर दिए कि सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट के मामले में अब कह दिया 30 साल से ऊपर के लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उन्हें कैट जाना पड़ा, कैट की डायरेक्शन लानी पड़ी, कैट की डायरेक्शन की बुनियाद पर वो सब इंस्पेक्टर इम्तिहान के रिक्रूटमेंट में बैठे, उसके बाद जाकर उन लोगों ने इम्तिहान में पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेट करने के बाद जब रिजल्ट निकला तो उनको कहा गया आपका रिजल्ट जो है वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक कैट की फाइनल जो है जजमेंट नहीं आती, इधर से जो है सारी रिक्रूटमेंट स्क्रैप हो गई। अब उन्हें दोबारा से कैट के पास जाना है या कैट की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जजमेंट है उसी जजमेंट पर वो दोबारा इम्तिहान में बैठेंगे, ये सारे सवाल युवाओं को परेशान कर रहे हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जहां तक ताल्लुक है, बोर्ड में क्लास फोर्थ की लिस्ट को लेकर युवाओं ने बड़े सारे सवाल पूछे, हमने बोर्ड से संपर्क किया, उनसे पूछा तो साफ तौर पर यह कहा गया जी कि कोशिश पूरी है कि इस महीने के आखिर तक क्लास फोर्थ की लिस्ट निकालकर इस मामले को खत्म कर दिया जाए। उसके बाद दूसरा कि एग्जाम का कैलेंडर कब तक आप निकालेंगे, तो बताया तो यह गया था कि अक्टूबर के सेप्टेंबर के मिड तक जो है ये कैलेंडर जरूर आएगा, लेकिन बीच में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का पूरे का पूरा स्टाफ बदल दिया गया, चपरासी तक बदल दिए गए, क्लर्क तक बदल दिए गए, स्टाफ का कोई भी आदमी, जो लोग पहले जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में थे उनमें से कोई भी आदमी अब बोर्ड में नहीं है। बोर्ड में ऊपर से लेकर नीचे तक मुकम्मल तौर पर सफाई कर दी गई है। अब जो नए लोग आए हैं उन नए लोगों को वक्त लगेगा चीजों को समझने में, इसके कारण बोर्ड में जो हमारे सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा और वक्त लग सकता है एग्जाम कैलेंडर को आने में। अब सोचिए अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में भी अगर एग्जाम कैलेंडर आता है तो बच्चों को कितने इम्तिहानों की तैयारी करनी है, सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट की तैयारी है, अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस की तैयारी है, जेई जल शक्ति की तैयारी है, जेई सिविल की पोस्टें आप रेफर करने जा रहे हैं, अन्य कई और विभागों की पोस्टें रेफर होने जा रही हैं। अब इतनी सारी पोस्टों की जब एडवर्टीजमेंट्स निकलेंगी, आप सोचिए बच्चों को आपको, और उसके बाद जो शकुक व शुबहात रिक्रूटमेंट के ऊपर ऑलरेडी एक बहुत बड़े तूफान से जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड गुजर रहा है कि दावे ये किए गए कि रिक्रूटमेंट जो है बेइंतहा साफ सुथरी होगी, हमने भी वो दावे सुने, आप तक वो दावे पहुंचाए, लेकिन बाद में नतीजा ये निकला कि तीनों इम्तिहानों में पेपर बेचा और खरीदा गया है, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा। अब बच्चे ये कह रहे हैं कि जनाब आप सीबीटी मोड पर लेंगे, बच्चे ये कहते हैं कि आपको ये इंश्योर करना होगा पहले ही इम्तिहान से पहले ही कि अब हमने पर्याप्त कदम उठाए हैं और इतने कदम हमने उठाए हैं कि अब सीबीटी मोड पर जब इम्तिहान होगा एक रत्ती भर की बेईमानी भी अगर होगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जब बच्चे शिकायतें लेकर आते हैं वो बच्चों के साथ ना हो जो पीछे हुआ, यानी अगर बच्चों ने अथॉरिटीज को अप्रोच किया और कहा बेईमानी हो रही है, अथॉरिटीज ने नॉन सीरियसनेस के साथ उसको लिया, नतीजा ये निकला कि अब इस समय तीन इम्तिहान जो है वो स्क्रैप हुए हैं। अगर वक्त पर बच्चों की बात सुन ली होती, वक्त पर बच्चों का कहना मान लिया होता तो शायद इतना सब कुछ, शायद ये सारा प्रोसेस उसी वक्त रुक गया होता और यहां तक नौबत नहीं आती कि तीन इम्तिहान जो है वो स्क्रैप करने पड़े। अब मामला ये है कि क्या कब तक 20,000 वैकेंसीज कहां हैं, कब तक रेफर होंगी, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एग्जाम का कैलेंडर कब तक जारी करेगा और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन कब तक जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज के नतीजे निकालेगा, ये इनके जवाब इन एजेंसियों को अपने ट्विटर हैंडल के जरिए युवाओं तक पहुंचाने चाहिए। हम एक माध्यम जरूर हो सकते हैं लेकिन हर इंस्टीट्यूशन को ग्रीवेंस रिड्रेसल का माध्यम इंस्टीट्यूशन के पास है, अनाउंसमेंट का माध्यम उनके पास है, यानी अब ट्विटर के जरिए बच्चों को कह सकते हैं क्लास फोर्थ वालों को कि भाई आपके नतीजों को एक हफ्ता लगेगा। एग्जाम कैलेंडर के लिए आप ट्विटर पर ट्वीट करके कह सकते हैं जी आपका एग्जाम कैलेंडर 15 दिन में आएगा। हर जानकारी को आप साझा कर सकते हैं ट्विटर के जरिए और यह जरूरी है कि आप ट्विटर के जरिए जानकारियां जो है आम जनमानस में और युवाओं में साझा करें ताकि युवाओं को टाइमली तमाम एग्जाम्स के बारे में पता चले।
अलग अलग जो उनके सवाल आते हैं उनके जवाब उनको ट्विटर के जरिए मिले, सोशल मीडिया के जरिए मिले, और ताकि उनके पास जानकारी हो। और आप जानते हैं जब युवाओं के पास जानकारी होगी वो भी पूरी कोशिश करेंगे, उसके बाद वो पढ़ाई पर लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, उन्हें जम्मू कश्मीर सर्विस सेक्शन बोर्ड जाने की या पत्रकारों को परेशान करने की या किसी और को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल हमारे माध्यम से अगर उन तक खबर पहुंच रही है, किसी और वेब पोर्टल के माध्यम से उन तक खबर पहुंच रही है, तो वो हमारी कोशिशें हैं कि हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है, आप तक पहुंचती है। लेकिन अगर उसकी जगह जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों अपने ट्विटर हैंडल्स को एक्टिव करें और सुपर एक्टिव रखें और हर जानकारी ट्विटर के माध्यम से युवाओं तक पहुंचाएं, यकीन मानिए बहुत हद तक जो युवा परेशान है उनकी परेशानियां दूर होंगी। यकीन और भरोसा इस समय युवाओं को बहुत कम है, लेकिन उस यकीन और भरोसे को युवाओं के अंदर पैदा करने के लिए सरकार ने जम्मू कश्मीर सर्विस सेक्शन बोर्ड की मुकम्मल तौर पर सफाई कर दी। अब ये यकीन और भरोसा मुकम्मल भरोसे में तब तब्दील होगा जब सीबीटी मोड पर इम्तिहान होगा, और इम्तिहान के खत्म होने के बाद युवा बाहर आकर कहेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा पेपर हुआ, अब हमें यकीन है कि हमारे नतीजे बिल्कुल ईमानदारी के साथ निकलेंगे। उम्मीद और तवक्का ये कि सरकार कोई माध्यम निकालेगी, कोई मीडियम निकालेगी, जिस मीडियम के जरिए युवाओं तक तमाम जानकारियां पहुंचे।